हेलो एवरीवन, वे सभी स्टूडेंट जिन्होंने एमपी सेट यानी कि मध्य प्रदेश स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट का एग्ज़ाम दिया हुआ था और उनको लगता है कि कुछ क्वेश्चन के आंसर जो है वो उन्होंने दिए थे वो सही थे, लेकिन आयोग ने उनका जो आंसर है वो गलत दिया हुआ है। तो आप लोगों के लिए एक अपडेट है कि जो ऑब्जेक्शन लिंक है, जिन क्वेश्चन पे आपको ऑब्जेक्शन करना है, वो आप जब एमपीपीएससी की वेबसाइट पर जाएंगे तो आपको देखिए यहाँ पर ऑब्जेक्शन लिंक स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट दिखाई दे रहा है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको इस तरह से आपको कुछ इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ पर आपको सेकेंड नंबर पर चेक करना है, यहाँ पर लिखा हुआ है मध्य प्रदेश राज्य पात्रता परीक्षा यानी कि एमपी सेट। तो यहाँ पर जो इसको ऑब्जेक्शन करने की जो डेट है वो आज से ये स्टार्ट हो रहा है, और आप जो लास्ट डेट है ऑब्जेक्शन करने की वो 28 सितंबर 2023 तक है। यहाँ पर जब आप एक्शन पर क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरह से इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ पर आपको क्या करना है कि अपना जो आपका एमपी सेट का जो एप्लीकेशन नंबर है, जो एससीटी करके स्टार्ट होगा, वो आपको फिल करना है, डेट ऑफ बर्थ फिल करनी है, और उसके बाद में वैलिडेट एंड सेंड ओटीपी करना है। तो जो आपने इसमें अपना मोबाइल नंबर रजिस्टर किया हुआ था उस पर आपके ओटीपी जाएगा और आप वैलिडेट करेंगे, उसके आगे का प्रोसेस इसको कंप्लीट करके आपको जो भी ऑब्जेक्शन रेज करने हैं वो आप रेज कर सकते हैं। ठीक है, और अधिक जानकारी के लिए आप हमारे साथ टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले वीडियोज़ के आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। धन्यवाद।